राष्ट्रपति थे तो राहों में फूल बिछते थे, और आज आरोप लग रहे हैं कि गोपनीय दस्तावेज इन्होंने बाथरूम में छिपाए थे, इसलिए फेडरल ग्रांड जूरी ने इन्हें आरोपी करार दिया है। ये बात है ट्रंप साहब की, यानी कि अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की, जिन पर अब कानूनी शिकंजा कसा जा रहा है। और बात अमेरिका की हो और भारत की ना हो, तो भारत में सियासी सरगर्मियां क्या कम हैं जो बिपरजॉय भी कहर बरपाने जा रहा है। साइक्लोन में सचेत रहने के लिए मौसम विभाग ने कई राज्यों को अलर्ट जारी किया है। बिपरजॉय जैसा ही हाल महाराष्ट्र की राजनीति का भी है, जहां मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के सुपुत्र और सांसद श्रीकांत शिंदे ने अपने इस्तीफे की बात कहकर महाराष्ट्र की राजनीति को नई हवा दे दी है। और इस बीच सियासत कहां नहीं जाती, इसका सबूत यह है कि कर्नाटक में किताबों में भी सियासत घुस रही है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक के संस्थापक केशव राव बलिराम हेडगेवार का चैप्टर जो पाठ्यक्रम से हटाया जा रहा है, कांग्रेस सरकार का जो फैसला है, इसने भारतीय जनता पार्टी के अंदर उथल पुथल मचा दी है, और मचनी भी चाहिए। विस्तार में आगे बात करेंगे। और एक जो मुख्य बात है वो है कि आपने सुना होगा पिछले समय में असहिष्णुता और सहिष्णुता, और ये शब्द फिर सामने आया है। इसको सामने लाए हैं कांग्रेस के नेता पी चिदम्बरम, और उनके इस शब्द के इस्तेमाल के साथ उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी पर जमकर हमला बोला है, और ये कहा है कि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के पत्र का जवाब प्रधानमंत्री ने खुद देने की बजाय चार सांसदों से दिलवाया है। चिदम्बरम साहब के लिए ये बीजेपी की असहिष्णुता का एक नया उदाहरण है। नमस्कार, आप देख रहे हैं देश रोजाना का प्राइम टाइम, और मैं हूं संजय मग्गू। खास खबरें संक्षिप्त में बताने के बाद अब आइए विस्तार से चर्चा करते हैं उन खबरों पर जिनका कि आपसे, हमसे और आम और खास सबसे सरोकार है। झारखंड में नियोजन नीति के विरोध में झारखंड यूथ एसोसिएशन ने 10 और 11 जून को, यानी कि आज शनिवार और रविवार को, झारखंड बंद का आह्वान किया। बंद की स्थिति को देखते हुए पुलिस जगह जगह तैनात की गई, निगरानी के लिए ड्रोन कैमरे भी लगाए गए। इसके बावजूद बंद के समर्थन में बड़ी संख्या में छात्र सड़कों पर उतरे, सड़कों पर टायर जलाए गए, दुकानें बंद कराई गई और 60-40 के खिलाफ नारे लगाए गए कि 60-40 नाए चाल तो। जिन लोगों को मुद्दे की जानकारी नहीं है उन्हें बता दूं कि झारखंड नियोजन नीति के तहत झारखंड राज्य के अंदर थर्ड और फोर्थ ग्रेड की सरकारी नौकरियां, यानी कि तीसरे और चौथे दर्जे की जो सरकारी नौकरियां होती हैं, उनके लिए झारखंड से अलग अन्य राज्यों के उम्मीदवारों को पात्रता दी जा रही है, उनका सिलेक्शन हो रहा है, और रेशो रखा गया है 60-40, यानी कि 60% झारखंड के और 40% अन्य राज्यों के। इस बात को लेकर झारखंड राज्य के जो युवा हैं वो इसको कह रहे हैं कि ये हक मार नियोजन योजना है, यानी कि झारखंड के युवाओं का हक मारने की योजना है। और इसलिए झारखंड स्टेट स्टूडेंट्स यूनियन की तरफ से इस दो दिन के लिए, यानी कि शनिवार और रविवार के लिए, झारखंड बंद का आह्वान किया गया। झारखंड स्टूडेंट यूनियन के प्रमुख देवेंद्र नाथ का कहना है कि बिना गजट नोटिफिकेशन के 60-40 के अनुपात में सरकार लगातार विज्ञापन निकाल रही है, और इन विज्ञापनों से झारखंड का शब्द गायब है। सरकार ऐसा क्यों कर रही है, सवाल ये है, और सरकार क्यों नहीं स्पष्ट करती विज्ञापन जारी करते हुए, क्यों नहीं राज्य के छात्रों को इस नीति के खिलाफ फैल रहे भ्रम से अवगत कराती है। यदि राज्य में पढ़े लिखे बेरोजगार छात्रों की संख्या ज़्यादा है तो पहले आखिर तवज्जो उन्हीं को क्यों नहीं मिलनी चाहिए, और इसमें कोई संशय भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर प्रदेश की सरकार छात्रों के इस बंद या विरोध के बाद झुकती है और नियोजन नीति में कोई बदलाव करती है तो फिर ऐसे विरोधों में प्रदेश की शांति के भंग होने और विरोध के दौरान किसी अनहोनी में जान माल का नुकसान होने का जिम्मेदार कौन होगा। सबसे खास बात तो ये है दोस्तों कि किसी भी प्रदेश सरकार को ऐसी नीतियां बनाते समय उस तबके का खास ध्यान रखना चाहिए जिसके लिए नीति बनाई जा रही है, और इसके साथ साथ ही ये भी ध्यान रखा जाना चाहिए कि नीति के क्रियान्वयन से पहले भली भांति वो नीति उस वर्ग को समझाई जाए, बताई जाए जो उसे लाभान्वित होने वाला है। पारदर्शिता किसी भी कार्य में बहुत जरूरी है, ताकि बीच में ऐसे विरोधों से किसी प्रदेश और समाज के अंदर अशांति की स्थिति ना बने, क्योंकि वैसे ही देश में शांति भंग करने वाले तत्वों की कोई कमी नहीं है। जैसे कि
आईएसआईएस गुजरात में एटीएस ने आईएसआईएस के मॉड्यूल का भंडाफोड़ किया है। यहां से एक महिला समेत 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। बताया जा रहा है कि गुजरात एटीएस ने इन पर लंबे समय से नज़र रखी हुई थी और जिसके बाद पोरबंदर में इस बड़े ऑपरेशन को अंजाम देते हुए ये गिरफ्तारी की गई। पूछताछ में पता लगा है कि ये सभी लोग आईएसआईएस ज्वाइन करने के लिए भागने की फिराक में थे, यानी कि आईएसआईएस में शामिल होने वाले थे। दूसरी महत्वपूर्ण बात ये थी कि इन सभी लोगों का आपस में कॉन्टैक्ट था। 5 लोगों में जो एक महिला गिरफ्तार की गई है, उस महिला का नाम है समीरा बानो। अगली लाइन में जो आपको मैं बताने जा रहा हूँ कि आईएस के मॉड्यूल पर काम करने वाली समीरा 16 से 18 साल के लड़कों को लव जिहाद के लिए तैयार करने का काम करती रही है और ये लव जिहाद के रैकेट में शामिल पाई गई है। दोस्तों, आईएसआईएस का मॉड्यूल कैसे काम करता है इसे समझना जरूरी है। ब्रेन वॉश कर लोगों को खुद से जोड़कर उन्हें टारगेट देना और मुस्लिम युवाओं को अलकायदा में शामिल होने के लिए मोटिवेट करना, जिनमें आजकल बहुतायत में ये लव जिहाद के लिए युवाओं को तैयार करने का काम कर रहा है। ऐसे में ज़रूरी है कि हर भारतीय मुसलमान इस नापाक सोच से वाकिफ रहे, ये समझे कि धर्म को बचाने का ये तरीका गलत है। लव जिहाद या जबरन किसी से धर्म परिवर्तन कराना और या फिर आतंक की राह पर बढ़कर अपने मजहब को बचाना कोई धर्म नहीं सिखाता। वैर और विष किसी मजहब की परिभाषा नहीं है। हाँ, कुछ खबरों के बीच बयारें लेती ऐसी अनगिनत अफवाहें मुल्क की शांति को विषैला जरूर करती हैं, जैसे आजकल लव जिहाद का मुद्दा कर रहा है उत्तराखंड प्रदेश, जहाँ की वादियों में सुकून देती शीतलता सिर्फ तैरा करती थी, आज उस राज्य को भी लव जिहाद का ग्रहण लग रहा है। जहाँ हिंदुओं ने खुद को लैंड जिहाद, लव जिहाद, गो हत्या और चोरी जैसे अपराधों से पीड़ित कहते हुए परोला आंदोलन को अपनी मजबूरी बताया है। बता दें कि उत्तरकाशी का वही परोला गांव है जहां से 26 मई को लव जिहाद के आरोपी उबैद खान की गिरफ्तारी हुई थी। उत्तराखंड में लव जिहाद को लेकर जो स्थिति बनी हुई है, उसको लेकर देवभूमि रक्षा अभियान संगठन के संस्थापक स्वामी दर्शन भारती का कहना है कि हिंदू धर्म के उद्गम स्थल देवभूमि उत्तराखंड पर जिहादियों की मजहबी नज़र पड़ गई है। काफ़ी पहले यहाँ रोटी मांगने आए मुस्लिम समाज के लोग अब हमारी बेटियों को भगा रहे हैं और आने वाले वक्त में हमारी चोटियों को भी खतरा है। यानी कि देवभूमि रक्षा अभियान समिति का मानना है कि लव जिहाद में जिस प्रकार बेटियों की अस्मत खतरे में है, उसी प्रकार धर्म भी खतरे में है। वहीं कुछ वक्त पहले खबरें आई थी कि इसी परोला गाँव में हिंदुओं ने मुसलमानों को 15 जून तक इलाका खाली करने और यहाँ से दुकानें खाली करके चले जाने का अल्टीमेटम दिया था, लेकिन बाद में पता चला कि ये पोस्ट किसी हिंदू संगठन ने नहीं बल्कि कुछ अज्ञात लोगों ने लगाए थे और जिसे विक्टिम कार्ड खेलने की साजिश बताया गया था। ऐसी स्थितियां और परिस्थितियां साफ करती हैं कि देश में उठ रहा हर मुद्दा आखिर सियासी राह का रुख क्यों ले रहा है। कुछ अराजक तत्व अपने फायदे के लिए लोगों को सताए या पीड़ित पक्ष को मोहरा बनाकर खेलते हैं। ज़रूरी है कि आवाम इस माहौल को पहचाने। यहाँ हम किसी भी तरह से लव जिहाद के मुद्दे से किनारा नहीं कर रहे और ना ही ये बता रहे हैं कि ये गलत है या झूठ है। हमारा मंतव्य ये है कि इन परिस्थितियों को बदतर होने से बचाने के लिए समय रहते सियासत यानी कि शासन, प्रशासन, समाज और मेन स्ट्रीम मीडिया इसको बेहतर कैसे किया जाए, इस दिशा में काम करें। किसी भी चर्चा में विवाद को तूल देकर अपने फायदे या अपनी TRP बढ़ाने के लिए देश की शांति के साथ धोखा है, गद्दारी है। किसी पर आक्षेप या लांछन लगाना हमारी मंशा कतई नहीं है। हाँ, जनमानस को सही समझाने बताने का काम है और हम अपने कार्य क्षेत्र में रहते हुए इसे कैसे कर सकते हैं ये समझने की बहुत ज़रूरत है। और यही गुजारिश हम हर उस शख्सियत से करते हैं जो इस कार्य को करने में सक्षम है, क्योंकि विवादों और झगड़ों की तो देश में बयार बह रही है। महाराष्ट्र में औरंगजेब ऐसे घूम रहा है जैसे इतिहास से एक बार वो फिर से जीवित हो गया हो। सियासी पार्टियों के बीच इस मुद्दे पर लगातार बयानबाजी हो रही है, जिनके बीच केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का एक बयान, यानी कि नाथूराम गोडसे पर जो बयान दिया है गिरिराज सिंह ने और कपिल सिब्बल पर निशाना साधा है, वो भी चर्चा में है। गिरिराज सिंह ने छत्तीसगढ़ में औरंगजेब वाले विवाद पर बोलते हुए यह कह दिया कि जो लोग खुद को बाबर और औरंगजेब की औलाद कहने पर खुश होते हैं, वो भारत माता के सच्चे सपूत नहीं हो सकते। यहाँ तक तो ठीक था, लेकिन एक और वाक्य जो उन्होंने जोड़ा गिरिराज सिंह जी ने, और उन्होंने कहा कि महात्मा गांधी का हत्यारा यानी कि नाथूराम गोडसे मुगल शासक बाबर और औरंगजेब की तरह आक्रमणकारी तो नहीं था, वो भारत में पैदा हुआ था, यानी कि नाथूराम गोडसे भारत में पैदा हुआ था।
और अगर नाथूराम गोडसे गांधी का हत्यारा है तब भी भारत माता का सपूत है। गिरिराज सिंह के इस बयान को लेकर कपिल सिब्बल साहब ने पूरी तरह जोर लगा रखा है, निशाना साध रहे हैं और सीधा निशाना साध रहे हैं मोदी जी पर। कपिल सिब्बल ने कहा है कि आरएसएस स्वतंत्रता की लड़ाई में नहीं थी, आरएसएस की सोच ही बीजेपी की सोच है। जो कुछ गिरिराज सिंह ने कहा है वो सरकार की मंशा को दिखाता है, ये सोच गांधी जी के आचरणों के खिलाफ है। ऐसा है तो सभी हत्यारे भारत माँ के सपूत हैं, निर्भया के हत्यारे भी भारत माँ के सपूत थे और अगर इस प्रकार के कोई और कृत्य करते हैं तो वो भी भारत माँ के सपूत हैं। सिब्बल साहब कहते हैं कि एक तरफ तो मोदी जी कहते हैं कि हम गांधी जी के रास्ते पर चलते हैं और इनके मंत्री उनके हत्यारों को सपूत बता रहे हैं। हत्या करने वाला कभी सपूत नहीं होता, हत्यारे का कभी धर्म नहीं देखना चाहिए। क्या यही सबका साथ और सबका विकास है, ये कहना है सिब्बल साहब का। इसकी आलोचना प्रधानमंत्री और गृह मंत्री जी को करनी चाहिए। और फिर तंजिया लहजे में सिब्बल साहब कहते हैं कि मैं आपको भरोसा दिलाता हूं कि ऐसा कुछ नहीं होगा। वैसे कपिल सिब्बल की बातें कहीं गलत नहीं लगती, लेकिन ऐसे वाद विवाद देश की राजनीति में रोज का विषय है। लेकिन सबसे बड़ा विषय ये है कि सत्ता पक्ष हो या विपक्ष, क्या हमारे देश में वाद विवाद के बस यही विषय बचे हैं? गोडसे, बाबर, औरंगजेब, जो लोग गुजर गए उनके नाम को अलाप कर उनके नाम पर सियासत करने के बजाय, उनके नाम पर सियासत चमकाने की बजाय, आखिर सत्ता पक्ष और विपक्ष के लोग वास्तविक मुद्दों से क्यों जी चुराते हैं? जिस विकास की बात दोनों पक्ष करते हैं तो ऐसे मुद्दों को हवा देते वक्त भारत का वो विकास क्यों बिसर जाता है? मुद्दा आमजन की समस्याएं क्यों नहीं है? मुद्दा भारत की अच्छी बेहतर शिक्षा, बेहतर स्वास्थ्य और स्वच्छता क्यों नहीं है? कब तक आखिर हम गोडसे, औरंगजेब, बाबर इन लोगों पर बात करते रहेंगे और कब तक हमारे राजनेता इन सब मुद्दों पर अपने कीमती समय को यूं बर्बाद करते और होते देखते रहेंगे? जिनके पास मुद्दों पर बोलने के लिए वक्त नहीं लेकिन मुर्दों पर बोलने के लिए अथाह समय है। आज के लिए इतना ही। देश रोजाना के प्राइम टाइम में सोमवार को आपसे फिर मुलाकात करेंगे और जानेंगे उन खबरों से जो कुछ कहीं गुम हो गई, कहीं गायब हो गई, और जुड़ेंगे उन मुद्दों के साथ जो आम जन के साथ जुड़े हुए हैं। बस हमारे साथ जुड़े रहें, देखते रहें देश रोजाना। तब तक के लिए आप अपना बहुत ध्यान रखें। नमस्कार, धन्यवाद। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए देश रोजाना का यूट्यूब चैनल, सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही देश रोजाना की खबरें सबसे पहले देखने के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकन।